हम देख रहे थे अपने टर्मक्स की बेसिक सी ट्यूटोरियल। इसमें हमने सबसे पहले वीडियो देखी थी कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरी वीडियो तो हम लोग कैसे अपने अपने टर्मक्स में एक्स्ट्रा कीज ऐड कर सकते हैं अगर आपके डिवाइस में नहीं है, तो तीसरी हमने देखा था lspwd cd कमांड के बारे में, जिसमें हम देखा था कि कैसे हम लोग डायरेक्ट में आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, कैसे आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्टरीज के बारे में। बेसिकली हम फाइल एंट्री करने वाले हैं, हम डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे, डायरेक्टरी डिलीट करना सीखेंगे, फाइल बनाना सीखेंगे, फाइल डिलीट करना सीखेंगे, फाइल के अंदर कंटेंट कैसे डालना वो भी सीखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए तो एंड देखिएगा। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो रही तो हम उसे कैसे फोर्सफुली डिलीट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार आपको कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है जिसके में आपको डायरेक्टरी को डिलीट करना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कमांड जो आपको बताना चाहूँगा वो है कि कैसे आप लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं। डिलीट वगैरह बारे में भी आगे बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कमांड बता दूं जो कि होगा mkdir। mk मतलब होता है मेक और dir मतलब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी यानी फोल्डर, मैंने पिछले वीडियो में अपनी बताया था। उसके बाद आप कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ ln। ओके, मैं यहाँ पर ln नाम दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ln नाम की डायरेक्टरी, ये रही यहाँ पर ln नाम की डायरेक्टरी। अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा cd ln और मैं डायरेक्टरी के अंदर पहुँच जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर ls करके आप लोगों को दिखाऊं तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अभी हमने आपके सामने इस डायरेक्टरी को बनाया है। अगर मैं यहाँ पर करूँगा cd" तो अपनी डायरेक्टरी प्रीवियस डायरेक्टरी में वापस आ जाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ln के अंदर जाऊँ और अंदर जाने के बाद मैं कुछ फाइल्स वगैरह बनाऊँ और फाइल्स के साथ मैं हैंडल करना सीखूँ। फाइल को क्रिएट करने का हमारा सबसे पहला कमांड जो होता है वो होता है touch। टच से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, empty फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना दूँ test.txt, ओके txt, और यहाँ पर मैंने ls करूँगा, मुझे यहाँ पर text.txt नाम की फाइल मिल रही है, जो कि मैं इसके अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है। अगर मैं इसके अंदर के कंटेंट को देखना चाहता हूँ तो मैं करूँगा cat text.txt और मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है तो मुझे कुछ भी दिखा नहीं रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर को मैं डेटा को एडिटर की मदद से ओपन करूँ, nano test.txt, और मैं एंटर करूँगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो This is कंटेंट, अगर मुझे इसे सेव करना है तो मैं यहाँ पर करूँगा Ctrl X Y Enter, और यहाँ पर मैं ls करूँगा। अगेन मेरे पास सेम फाइल है। अगर मैं यहाँ पर करूँ cat text.txt और मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है। तो इस वीडियो हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग अपने कंटेंट को कैसे देख सकते हैं। अगर इस कंटेंट को मुझे उल्टा देखना हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैट की जगह टैग लिख दूंगा और सीधे लिखूँगा test.txt, और आप देख सकते हैं ये कंटेंट दिस इज़ हेलो, ये ऐसे उल्टा करके आ रहा था। अब क्या एक ही तरीका है मेरे पास फाइल को क्रिएट करने का? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक, अगर मैं आपको यहाँ पर फाइल दिखाऊँ, सिर्फ मेरे पास test.txt है, अगर मैं यहाँ पर नैनो और मैं यहाँ पर लिखूँ abc.sh और यहाँ पर मैं एंटर करूँ और यहाँ पर मैं कोई भी डेटा लिख देता हूँ, ओके Ctrl X Y Enter की कॉम्बिनेशन में से याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर abc.sh नाम की फाइल है। अगर मैं इसके कंटेंट को देखना चाहूँगा तो मैं करूँगा cat abc.sh, और यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा मिल रहा है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं कि आप कई फाइल बनाना चाहते हैं एक साथ, तो मैं यहाँ पर सिंपल से कर दूँगा cat 1, ये उसके बाद ओके मैं यहाँ पर कोई नाम लेता हूँ 1bc, उसके बाद मैं लिखता हूँ 2bc और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर ls करूँगा तो अब यहाँ पर दो फाइल बन चुकी है, आप देख सकते हैं 1bc और 2bc। हालांकि इसके एक्सटेंशन मैंने नहीं दी हुआ है, पर सेम चीज़ यहाँ पर डायरेक्टरी के साथ भी होता है। अगर मैं यहाँ पर करूँ mkdir hello और यहाँ पर मैं हाई कर दूँ, तो क्या लगता है आपको कितनी डायरेक्टरी बनी होगी मेरे पास? अगर आपका जवाब दो है तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्टरी ही बनी है। इन दो डायरेक्टरी इसलिए बनी क्योंकि एक डायरेक्टरी हमारा नाम हेलो है और दूसरे का हाई है। रिमूव करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर यूज़ करना है rm और कोई भी फाइल का नाम। जैसे कि मैं test.txt को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर rm करके ls कर दूँगा, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये फाइल है और यहाँ पर ये फाइल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये फाइल अच्छे से रिमूव हो चुका है। सेम आप कर सकते हैं rm और उसके बाद मैं करूँगा 1bc और सेम यहाँ पर कर दूँगा 2bc और साथ साथ में हम abc.sh को भी रिमूव कर देंगे। हमारी सारी फाइलें रिमूव हो चुकी हैं, आप ऐसे करके कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा मैं आगे जाके, चैनल के साथ बने रहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर करूँगा rm dir, जैसे mkdir था मेक डायरेक्टरी, rm है रिमूव, dir। अगर मैं यहाँ पर हाई लिखूँगा और आप देख सकते हैं इसने कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं किया, तो अब ये हेलो हाई डिलीट हो चुका है। अब देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर मैं इसे फोर्सफुली डिलीट करना हो तो मैं यहाँ पर करूँगा हेलो के अंदर चल जाऊँगा,
और यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स कर दूँगा टच, ओके फाइल, ओके एक और मैं जाइल भी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एलएस कर लेता हूँ। अब हमारे पास आप देख सकते हैं एलोन के अंदर हेलो है, हेलो के अंदर हमारे पास दो फाइल है। मैं सीधे बाहर आ जाता हूँ, मैंने ये बताया था कि आप डायरेक्ट कैसे बाहर जा सकते हैं। तो अभी हमें एलोन को डिलीट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर करूँगा आर एम डी आई आर और यहाँ पर मैं कमांड यूज़ करूँ एलोन, ओके एलोन करूँगा तो देख सकते हैं एलोन डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी का एरर आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इसे एक एक करके डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने देखा था कि हमने हाई को सिर्फ एक आर एम डी आई आर कमांड का यूज़ करके डिलीट कर दिया था, लेकिन ये वाली डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो रही है। आपको ऐसे लग रहा हो कि ये इसकी वजह से हो रहा हो, तो मैं इस स्लैश को भी हटा देता हूँ, सेम एरर आ रहा है। तो इसे डिलीट करने के लिए हमें इसके हेल्प में जाना होगा, तो हेल्प के बारे में मैन कमांड होता है जो इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है, तो ये उसके बारे में भी हम ज़्यादा जानेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिंपल से बता दूँ कि आप कैसे डिलीट करते हैं। तो आपको यहाँ पर कमांड यूज़ करना आर एम स्पेस हाइफन आर और यहाँ पर आपको सीधे लिख देना है एलोन डॉट, और यहाँ पर आप देखना कि ये फटाफट मतलब एलोन डिलीट हो चुका है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी एलोन नाम की डायरेक्टरी नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ आपको ये पता चलेगा कि आर एम क्या है, आर एम रिमूव है और हाइफन आर रिकर्सिव है। हाइफन और रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि पहले एलोन के अंदर जाएगा, एलोन के अंदर इसे मिलेगी हेलो, तो हेलो के अंदर जाएगा, वहाँ की सारी चीज़ें रिमूव करेगा। अगर हेलो के अलावा हाई डायरेक्टरी भी होती तो हाई डायरेक्टरी को रिमूव करता, फिर हेलो को रिमूव करता, फिर बाहर आके एलोन को रिमूव करता, तो कुछ इस तरीके से और ये काम करता है। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो आपको पता होगा रिकर्शन के बारे में और एट्रेशन के बारे में, तो ये रिकर्शन पे बेस्ड है, तो ये रिकर्शन की तरह से काम करता है। और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, विजिट कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको चैनल पर बने रहना है।